हार्वेस्टर भैया बिल्कुल अपनी साइड आ रही थी, अपने अपनी साइड में, ये ऑटो वाला पीछे से आया ओवरटेक करने के चक्कर में, लेकिन सामने गाड़ी आता देखकर डर के इसने गाड़ी के आगे कट लगा दिया और ये ऑटो गाड़ी के नीचे आ गया, बच गया, सब कुछ हो गया, बचा हो गया, ऑटो चलाने वाले का भी हो, गाड़ी भी सेफ है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है, गाड़ी पलट भी सकती थी, ये दूसरी साइड थोड़ा 5-6 फीट गहरा है जगह, गाड़ी भी पलटने से बची है। सब सेफ है, ये गाड़ी इस पे अटकने की वजह से दम लगाना बंद कर गई, ये गाड़ी का टायर इस पे टिक गया था हिस्सा, जिस वजह से ये गाड़ी ने बहुत बचाव कर दिया। सब सेफ है, गाड़ी चलाने वाले भी सुरक्षित है और ऑटो चलाने वाले भी सुरक्षित है। ये गाड़ी भैया अपनी स्पीड आ रही थी और छोटे छोटे बच्चे थे इस ऑटो को चला रहे थे जो, और उन्होंने दोनों गाड़ी के बीच में मुझे ओवरटेक करने लगे थे और ओवरटेक करते करते उनको आगे वाली गाड़ी ने कट लगा दिया, तो इन्होंने रॉन्ग साइड गाड़ी दबा दी, मतलब अपने ही आप आगे आकर रॉन्ग साइड में घुस गए। ये गाड़ी बार बार पलटने से बची है, सबका बचाव है, ऑटो चलाने वाले का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों ही, 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं और गाड़ी भी सेफ है। हमारे पास है लाइसेंस, मैं तो खुद तो तुम मरोगे चार में और किसी को लेकर मरे, गाड़ी पलटने से बच गई, बच जाता कोई यहाँ पे है, पीछे नहीं कर सकते या पता सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, कुछ सिर में वहां अंदर है। इन्हें दिक्कत, और उसके बाद जो भी बात है यहाँ हम लोगों को बता दे, ठीक है कि नहीं भैया? सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, क्योंकि अगर पुलिस के चक्कर में पड़ेगा तो आपको भी मालूम है भी पुलिस वाले कहाँ तक उल जाएंगे। 10-12 साल के लिए तेरे को अंदर ठोक देंगे विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो तुम लोग। उसमें क्या है डब्बे में? चक्कर क्या बना? अब मेरे को बता दे, मैं देख रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तेरी, सीधी बात है, मेरे को सच सच बता रहा हूँ, मैं सच बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ, ये भैया चला रहे थे गाड़ी, ये गाड़ी चला रहे थे, मैं खा रहा था नमकीन एक कोने में बैठ के, नीचे वाले जो रिश्ता दबा उसमें नमकीन खा रहा था मैं बैठ के। गाड़ी ये हार्वेस्टर अपनी जगह में सही आ रही थी, अपनी जगह सही जा रही थी, और इधर गलती किसने की? और इधर से कार आई सामने से और ने दबा दी उस तरफ बक्कर फंस गया गाड़ी में, गाड़ी उसके नीचे आ गई, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ ज्यादा। मानो अब तुम मानते हो कि गलती हार्वेस्टर वाले की नहीं है? नहीं है। क्यों भाई, तुम भी मानते हो है? नहीं है। गलती तुम लोगों की है ना? लगा बस निकल गया। गलती तुम लोगों की है ना? ठीक है,